हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए आज के लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको मैंने ये सारे टॉपिक बता दिए थे कि कोई भी कोलाइड में अगर हम वैद्युत अपघट्य को मिलाते हैं, किसी भी कोलाइड में, चाहे वो पॉजिटिवली चार्जेस कोलाइड हो या फिर निगेटिवली चार्जेस कोलाइड हो, धनात्मक आवेशित कोलाइड हो, ठीक है, या फिर वो ऋणात्मक आवेशित कोलाइड हो, यानी कोलाइड के कोलाइडी कणों पर या तो धन आवेश हो या तो फिर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश हो, कैसा भी आवेश वाला कोलाइड हो, है ना, हम अगर उसमें वैद्युत अपघट्य को मिलाएंगे, तो उस कोलाइड का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ये बातें आपको याद आ गई होगी, ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में भी बता रखा है ना। तो देखो बच्चों, अब अगर आपको ये याद आ चुका है कि हाँ, वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर स्कंदन होगा, ये बात क्लियर है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि द्रव रागी कोलाइड अगर रहता है तो उसका स्कंदन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि उसमें कणों के बीच में आकर्षण होता है। लेकिन द्रव विरागी कोलाइड रहता है तो उसका स्कंदन बड़ा जल्दी होने लगता है, बड़ा आसानी से होने लगता है। तो अगर हम द्रव विरागी कोलाइड को उसके आसानी से होने वाले जो स्कंदन है, अगर उसे हम रोकना चाहते हैं, यानी अगर हम उसके स्कंदन को होने से बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम उसमें द्रव रागी कोलाइड को मिला देते हैं। ये बातें आपको याद आ गई होंगी, है ना। तो अब सुनो, ये जो आपको मैंने बताया था कि कोई भी द्रव विरागी कोलाइड में हम लोग द्रव रागी कोलाइड मिला देते हैं तो उसका स्कंदन जो है वो थोड़ा डीले हो जाता है। कहने का मतलब वो उसे प्रिवेंट करता है, है ना। यानी अब अगर किसी द्रव विरागी कोलाइड में हम जब द्रव रागी कोलाइड को मिला देते हैं तो फिर उस द्रव विरागी कोलाइड का स्कंदन जल्दी आसानी से नहीं होता है, है ना। यानी वो द्रव रागी कोलाइड मिला दिए जाने पर वो उस द्रव विरागी कोलाइड के स्कंदन को रोकता है, उसको स्कंदन होने, उसका स्कंदन होने जल्दी नहीं देता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है, उसे वो बचा लेता है, है ना। तो ध्यान से समझो, अब ये चीज आपको समझना चाहिए कि ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारा द्रव रागी कोलाइड जो है एक तरह से ही बचाता होगा। हो सकता है कुछ द्रव रागी कोलाइड को मिलाने पर वो ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाता हो, कुछ को मिलाने पर कम कर पाता हो। जैसे मैं बताता हूं, स्टार्च भी एक द्रव रागी कोलाइड है और जिलेटिन भी एक द्रव रागी कोलाइड है, है ना। अब अगर इन दोनों का हम आपस में कंपैरिजन करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी द्रव विरागी कोलाइड के स्कंदन को रोकना चाहते हैं, उसके स्कंदन को उसे बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर हम उसमें स्टार्च मिलाते हैं तो वो उसे प्रोटेक्ट तो करता है, उसे बचाता तो जरूर है, लेकिन कम बचाता है ना। लेकिन अगर उसे हम जिलेटिन मिलाते हैं तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, यहां मैंने क्या बताया कि जिलेटिन में प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, यानी उसमें रक्षा करने की क्षमता ज्यादा है। ऐसे तो दोनों के दोनों रक्षी कोलाइड है, है ना। मैंने एग्जांपल भी लिखवाया पिछले क्लास में आपको, मैंने स्टार्च भी लिखाया था, मैंने जिलेटिन भी लिखाया था, मैंने गोंद भी लिखाया होगा, है ना। हेमोग्लोबिन भी आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल, एग एल्ब्यूमिन भी आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वैसे तो ये सभी कोलाइड जो द्रव रागी कोलाइड है, ज्यादातर ये सभी के सभी क्या है, एक तरह से रक्षी कोलाइड है। रक्षी कोलाइड किसे कैसे वालक, तो कोई भी द्रव विरागी कोलाइड को स्कंदित होने से बचाने के लिए हम उसमें जिस द्रव रागी कोलाइड को मिलाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका रक्षा करता है। किसका रक्षा करता है? द्रव विरागी कोलाइड का। किस चीज से रक्षा करता है? उसका स्कंदन होने से उसका रक्षा करता है, यानी उसे स्कंदित होने से बचाता है। बात समझ रहा है ना। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये स्कंदन होने से बचाने वाली जो बात है, है ना, ये सारे कोलाइड में एक जैसे तो होंगे नहीं, किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या बताया, स्टार्च में बचाने की क्षमता कम है, जिलेटिन में ज्यादा है, है ना। फिर अगर मैं एग्जांपल लूं स्टार्च और हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन में ज्यादा है और स्टार्च में कम है। अब अगर मैं हीमोग्लोबिन और एग्जांपल लूं जिलेटिन का, तो हीमोग्लोबिन और जिलेटिन में जिलेटिन का प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, वो ज्यादा बचा सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन कम बचा सकता है, है ना। अगर मैं एग एल्ब्यूमिन का एग्जांपल लूंगा, तो एग एल्ब्यूमिन में भी ये जो क्षमता है वो कम है, जबकि अगर मैं बात करूं जिलेटिन का तो ज्यादा है, है ना। लेकिन एग एल्ब्यूमिन का तुलना करें स्टार्च से, तो स्टार्च का कम है, एग एल्ब्यूमिन का ज्यादा है, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अलग अलग, जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अलग अलग कोलाइड है, अलग अलग द्रव रागी कोलाइड का रक्षा करने की जो क्षमता है ना, वो अलग अलग है, है ना। प्रोटेक्टिव पावर अलग अलग होते हैं, यानी रक्षा करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, किसी की अधिक होती है किसी की कम होती है। तो इसी की जो माप है वो गोल्ड नंबर में बताई जाती है, है ना। कहने का मतलब किसका प्रोटेक्टिव पावर कैसा है, मतलब प्रोटेक्टिव पावर यानी बचाने की क्षमता, सुरक्षित करने की क्षमता, मतलब स्कंदित होने से रोकने की जो क्षमता है, ये मापा जाता है गोल्ड नंबर में। किस चीज में? गोल्ड नंबर। ये पॉइंट अब आपको समझना है, मतलब बेसिकली आज मुझे यही टॉपिक पढ़ाना था कि गोल्ड नंबर क्या है,
है ना। तो गोल्ड नंबर क्या है ये समझाने से पहले मैंने आपको क्या क्या बताया कि देखो कोई भी कोलाइड होता है बाबू तो उसमें वैद्युत अपघट जब मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है, ये तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं समझे हुए हैं पिछले क्लास में मैंने बताया था। फिर अभी मैंने क्या बताया कि अगर उसमें वैद्युत अपघट मिलाते हैं तो उसका स्कंदन तो हो जाता है, ठीक है। तो यह स्कंदन जो है द्रव रागी कोलाइड रहने पर ज्यादा आसानी से नहीं होता है लेकिन द्रव विरागी कोलाइड का ज्यादा आसानी से होने लगता है, तो हम उसको बचाने के लिए उसमें द्रव रागी कोलाइड मिलाते हैं, मिलाता है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया ना कि द्रव विरागी कोलाइड का स्कंदन को अगर बचाना चाहते हैं, उसको उसके स्कंदित होने से उसे रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम उसमें द्रव रागी कोलाइड को मिलाते हैं, है ना। और अब ध्यान पूर्वक सुनिए, ये जो द्रव रागी कोलाइड को मिलाते हैं इसी को रक्षी कोलाइड कहते हैं, ये पिछले क्लास मैंने बताया। और ये रक्षी कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है, रक्षी कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है उसे गोल्ड नंबर में परिभाषित किया गया है। मतलब गोल्ड नंबर आज मैं जो बता रहा हूं वो असल में क्या है, तो गोल्ड नंबर ये इस बात की एक तरह से मान लीजिए कि गोल्ड नंबर जो है ये वो माप है, ये वो पैमाना है जिसके आधार पे हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता अधिक है और कौन सी रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता कम है। बात समझ रहा है ना। और ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसमें ट्विस्ट है। आपको लग रहा होगा कि अच्छा मतलब कि गोल्ड नंबर से पता चलता है ना कि किसका प्रोडक्शन प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, किसका प्रोटेक्टिव पावर कम है। गोल्ड नंबर से पता चलता है, ये बात सही है कि गोल्ड नंबर से ही पता चलेगा कि कोई भी रक्षी कोलाइड का रक्षण क्षमता ज्यादा है या कम है। जैसे कोई दो रक्षी कोलाइड है उसमें कॉम्पेरिजन करना हो, है ना, स्टार्च और जिलेटिन का तुलना करना है, है ना, कि स्टार्च और जिलेटिन में से किसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, यानी स्टार्च और जिलेटिन में से किसकी रक्षण क्षमता अधिक है। दोनों तो रक्षी कोलाइड है, दोनों रक्षा करता है, दोनों ही जो कोलाइड है स्टार्च और जिलेटिन, ये दोनों द्रव रागी कोलाइड है और ये दोनों ही द्रव विरागी कोलाइड के स्कंदन को रोकने का काम करते हैं, लेकिन ये रोकने वाला जो काम है, स्कंदित होने से रोकने वाला जो काम है, उसको स्कंदित होने से बचाने वाला जो काम है, ये जिलेटिन में ज्यादा होता है, यानी जिलेटिन में ये पावर ज्यादा है, यानी उसको स्कंदित होने से बचाने की क्षमता ज्यादा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका गोल्ड नंबर आपको लग रहा होगा कि ज्यादा होता होगा, नहीं, इसका गोल्ड नंबर कम होता है। यानी कहने का अर्थ मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं कि जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा, आप ये मत समझना कि उसी का प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगा, उसी का रक्षा करने का क्षमता ज्यादा होगा, नहीं, जस्ट अपोजिटली, आप एकदम उल्टा याद रखेंगे कि जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है ना उसी का रक्षण क्षमता कम है, जी हाँ, और जिसका गोल्ड नंबर कम होता है उसी की रक्षण क्षमता अधिक होती है। मतलब अभी आपने क्या सुना और क्या समझा, गोल्ड नंबर जो है ये प्रोटेक्टिव पावर को बताता जरूर है लेकिन अपोजिट वे में। कहने का मतलब कि जिस किसी कोलाइड का गोल्ड नंबर कम होता है उसी का रक्षण क्षमता ज्यादा होता है, यानी गोल्ड नंबर कम है तो उसको तो उस कोलाइड में किसी दूसरे द्रव्यरागी कोलाइड को बचाने का क्षमता ज्यादा होगा, रक्षा करने का क्षमता उसमें ज्यादा होगा। और अगर किसी रक्षी कोलाइड का गोल्ड नंबर ही ज्यादा है तो उसमें रक्षण क्षमता क्या होगा, कम होगा, यानी उसमें किसी कोलाइड को बचाने का क्षमता कम होगा, जी हाँ। यानी बच्चों याद रखना कि गोल्ड नंबर से ही पता चलता है कि रक्षण क्षमता किसका ज्यादा और किसका कम है, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल ले रहे थे ना किसका, स्टार्च और जिलेटिन का, तो याद रखिएगा स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है वो 25 होता है ना, जबकि जिलेटिन का 0.03 होता है ना। और इससे ये पता चल जाता है, इसी से ये बात समझ आ जाता है कि यानी स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है वो बहुत ज्यादा है, 25 है, और जबकि जिलेटिन का तो 0 में चला गया है ना, यानी काफी कम हो गया, तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर कम है इसीलिए उसी का रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे अधिक होती है तो किसकी होती है, जिलेटिन की होती है ना, यानी जिलेटिन में प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर गोल्ड नंबर में पूछा जाए कि गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा किसका होता है तो जिलेटिन मत बोलना, उसका तो सबसे कम होगा, ज्यादा किसका, स्टार्च का, समझ रहे हैं ना। तो स्टार्च का प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम है लेकिन गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड नंबर ज्यादा हो गया इसलिए तो प्रोटेक्टिव पावर कम हो गया, रक्षण क्षमता घट गया ना। मैंने बोला है ना कि गोल्ड नंबर अगर ज्यादा रहेगा तो रक्षण क्षमता कम रहेगा, और गोल्ड नंबर कम रहेगा तो रक्षण क्षमता ज्यादा रहेगा। जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0 में होता है, यानी बहुत कम होता है, इसलिए उसका रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ, अब आपको मैं गोल्ड नंबर को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करना चाहूंगा, आखिर ये गोल्ड नंबर क्या है, है ना। वैसे डिफाइन करने से पहले थोड़ा मैं देख लूं सारे बच्चे पहुंच गए हैं क्या, मैंने क्लास तो काफी स्टार्ट कर दिया टाइम पे ही। देखिए यही सब वजह से फिर क्लास आपका अब्सेंट करते हैं, पिछले दो क्लास अब्सेंट किए गए यही सब गुस्सा से कि पढ़ा तो मैं देता हूं लेकिन बच्चे देखते नहीं है। अब जब बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर मुझे पढ़ाने का मन करेगा भी नहीं, क्या फायदा, क्यों परेशान होंगे। देखिए कितने कम लोग लाइव हैं, कहां सब सोए पड़े हैं,
हाँ फुल पावर में है क्योंकि दो तीन रेस्ट कर लिए। क्लास रेगुलर ही चलाया जाए जी, लेकिन क्या कहा जाए, कभी मेरा दोस्त कभी आप लोग का दोस्त, कभी हम तबीयत खराब की वजह से टाइम चेंज करते हैं तो आप लोग का दोस्त की टाइम चेंज होने पर आप लोग पढ़ते नहीं हैं। पता क्यों नहीं होगा जी, कम से कम लाइव जब स्टार्ट हो जाता है तो नोटिफिकेशन तो चला जाता होगा ना सबको, फिर क्यों नहीं आते हैं। अब अगर इस आशा उम्मीद में पढ़े होंगे कि कोचिंग खुलेगा तभी पढ़ा जाएगा तो फिर अच्छी बात है, क्या कहा जाए उन लोगों को। क्लास तो ठीक समय पे चालू हुआ ही, बट क्या कहा जाए, बच्चे लोग ही नहीं आए हैं सारे लोग। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आ जाओ, गोल्ड नंबर अब क्लियर होने जा रहा है अब आपका। अभी फिलहाल आपने शॉर्ट में क्या समझा कि गोल्ड नंबर हमें क्या बताता है, तो गोल्ड संख्या जो है, गोल्ड नंबर जो है ये हमें किसी भी रक्षी कोलाइट के बारे में यह बताता है कि उसका रक्षण क्षमता अधिक है या कम है, है ना। और कैसे पता चलता है कि अधिक है या कम है, तो मैंने बताया कि जिसका जिसका गोल्ड नंबर, जिस रक्षी कोलाइट का, जिस प्रोटेक्टिव कोलाइट का, जिस रक्षी कोलाइट का गोल्ड संख्या ज्यादा होता है उसमें रक्षण क्षमता बाबू कम होता है, है ना। और जिसका जिसका गोल्ड नंबर ही कम होता है उसी में रक्षण क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी आप याद रखेंगे, रक्षी कोलाइड का जो रक्षण क्षमता है उसे निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, गोल्ड संख्या के द्वारा। अब मैं आपको गोल्ड संख्या को थोड़ा क्लेरिफाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। गोल्ड संख्या को डिफाइन कैसे किया गया, गोल्ड नंबर टॉपिक हमारा क्या है, मैं यहां लिख देता हूं गोल्ड नंबर, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो स्वर्ण संख्या लिख लो, लिख दूं वो भी क्या, मैं स्वर्ण संख्या, ठीक है। स्वर्ण संख्या ये हमारा टॉपिक चल रहा है, गोल्ड नंबर। अभी तक मैं गोल्ड नंबर के बारे में आपने क्या क्या समझ लिया कि गोल्ड नंबर जो है ये किसके लिए होता है, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए होता है, रक्षी कोलाइड के लिए होता है। ये रक्षी कोलाइड के लिए क्या है, तो ये रक्षी कोलाइड का एक तरह से परिमाप है, इसके आधार पर हम ये मापते हैं कि उस रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता कितनी अधिक है या कितनी कम है, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी रक्षी कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है वो इस गोल्ड नंबर के क्या, व्युत्क्रमानुपाती चल रहे हैं, कहने का मतलब उल्टा चल रहा है ना। गोल्ड नंबर ज्यादा तो रक्षण क्षमता कम, हाँ, और गोल्ड नंबर कम तो रक्षण क्षमता ज्यादा, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए हैं। अब ये बेसिकली गोल्ड नंबर को ही मैं डिफाइन कर देता हूं। अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रहा है जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग निशा साह, करण कुमार, रीना राज, गुड मॉर्निंग। हाँ नवीन कुमार बड़ा तगड़ा बात बोले हैं, वीडियो अपलोड ही नहीं करें ताकि सबको खुद समझ में आ जाएगा। जो बोल रहे हैं वो लिख भी दें, लिखाया हुआ है पिछले क्लास में, देख लीजिए ना, फिगर भी तो बना हुआ अभी भी दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में कि वैद्युतीय घट को मिलाने पर क्या होता है, स्कंदन हो जाता है, चाहे वो कैसा भी कोलाइड हो। अब उस स्कंदन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें द्रवरागी कोलाइड को मिला देते हैं और उसी को रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये भी मैंने लिखवाया पिछले क्लास में। उठने में लेट हो गया, इतना लेट हो गया जी कि 7 बजे के बाद भी सबक सिखाने का ये वैसे सच में अच्छा तरीका आप लोग सोचे हैं कि अब कुछ दिन वीडियो अपलोड ही नहीं किया जाए, है ना। गुड मॉर्निंग जॉनी, रोशन, भोला, उपेंद्र, सुचित, आप सभी को गुड मॉर्निंग। रोज तो लाइव पढ़ा ही रहे थे जी, लेकिन क्या बोला जाए, जब इतने कम व्यू देख रहे थे हम तो गुस्सा में ना कल और परसों छोड़ दिया गया क्लास, आज कर दीजिए सर, क्या कर दिया जाए,
अपलोड करने बोल रहे हैं या अपलोड नहीं करने बोल रहे हैं? वैद्युत अपघट मिलाने पर द्रव रागी हो जाता है, ये कहां किसी ने, मैंने कभी बोला? अस्कंदन हो जाता है वैद्युत अपघट मिलाने पर, और उसी को बचाने के लिए थोड़ा उसमें द्रव रागी क्लोराइड को डाल दिया जाता है ताकि उसका जल्दी स्कंदन ना हो सके। बिल्कुल पिछले क्लास में ही लिखवा दिए थे, जो लोग पूछ रहे हैं लिखवाने के लिए। नहीं, कल क्लास नहीं हुआ था और परसों भी नहीं हुआ था, और उसके पीछे का कारण कुछ नालायक लोग हैं जो पढ़ाई में रुचि कम दिखा रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, इसी वजह से गुस्से से मैंने भी छोड़ दिया कि क्यों मैं भी झूठ मूठ का तबियत खराब में भी जबरदस्ती मैं क्लास लेता रहूं और आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, फिर फायदा क्या है? कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं करें, चलिए देखते हैं। ये मैं वार्निंग ऐसा करूंगा, मैं दे दूंगा पहले एक दो दिन, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तब वीडियो को अपलोड करना बंद कर देंगे, यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास सुधारने का। उसमें भी नहीं सुधरे मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है फिर पढ़ने का। चलो देखो जी, वैसे तो मैंने दो दिन देखो टाइम दिया, तब जाकर के भी उतना व्यू नहीं पूरा, उतने सारे बच्चे नहीं देखे जितना अक्सर पहले देखा करते थे। पहले एक्चुअली मैं देखता था कि आपका जो क्लास हम लेते थे तो सुबह से शाम होते होते 1000 ऊपर व्यू हो जाता था, यानी 1000 से अधिक बच्चे देख लिया करते थे, उसमें से कुछ अदर स्टूडेंट भी होंगे और कुछ हमारे अपने स्टूडेंट्स भी होंगे, तो फिर भी कम से कम तो उसमें से मान लें कि 200-300 बच्चे अलग भी देख रहे होंगे बाहर के भी, है ना, जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे अपने बच्चे तो उसमें हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अगर 50% भी होंगे तो अगर 1200-1400 व्यू हो जाता था अगले सुबह होते होते, तो कहने का मतलब कम से कम अगर 50% भी हमारा अपना बच्चा देख लिया है तो मतलब 700-800 बच्चा तो देख लिया होगा, तो हमारे 700-800 स्टूडेंट अगर देख लिए तो मान के चलिए कि 70-80% बच्चे तो देख रहे हैं, है ना, तो फिर टेंशन नहीं लगता था, लगता कि चलो ठीक है पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। अब अगर व्यू ही देखते हैं कि 700-800 होता है, 900 होता है, तो फिर ऐसे में क्या लगेगा कि इसमें अगर आधा बच्चा देख रहा है तब तो 200-300-400 बच्चा मात्र देख रहा है, ये तो आधा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, तो जब आधा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है तो फिर क्या एनर्जी दिया जाए, तो इसी सब वजह से दुख होता है, गुस्सा आता है, फिर क्लास छोड़ते हैं तो फिर परेशानी होती है, इसमें दिक्कत उन लोगों को हो रही होगी जो क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू, और वैसे अभागे लोगों के कारण आप लोगों को भी परेशानी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, यही बात को सोचकर आज मैंने सुबह ही टाइम पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया कि चलो दो दिन मैंने क्लास छोड़ा, लेकिन उसके वजह से उनका भी तो छूट गया जो पढ़ रहे थे पर डे रेगुलर, तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों का हम क्यों नुकसान करवाएं जो आ जाते हैं टाइम पे, तो ठीक है आप लोगों का बाकी नुकसान नहीं किया जाएगा, और ये विकल्प सच में सही आया है, कुछ कुराफात लोग जो है अच्छा दिमाग दिए हैं, कमेंट में उन्होंने लिखा है कि सर आप ऐसा कीजिए कि क्लास ले लीजिए बट वीडियो अपलोड मत कीजिए, है ना, तो ये भी सही तरीका है, जब अपलोड नहीं होगा तो छटपटाना शुरू हो जाएगा, उन लोगों का फोन आएगा कि सर हम वीडियो प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो पता चल जाएगा, ठीक है, तो अच्छी बात है, ऐसे ही करके उन लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाएगा। आज एक दो क्लास हम पहले पढ़ा लेते हैं, देखते हैं कि कुछ रवैया सुधरता है या नहीं, अगर नहीं सुधरा तो वही काम करेंगे, क्योंकि जब केवल लाइव वाले बच्चे ही पढ़ते हैं उसके बाद वाले बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, जो लाइव नहीं पढ़ पाए छूट गए वो बाद में भी नहीं पढ़ते हैं, तो बाद में भी नहीं पढ़ना है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या जरूरत है अपलोड करने का, फिर लाइव तक ही क्लास चलेगा बाद में फिर खत्म। चलो देखो मैं अब यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मान लो बाबू ये है आपका 10 ml का गोल्ड सॉल, ध्यान दीजिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये 10 ml का क्या है, गोल्ड सॉल है, 10 ml का गोल्ड सॉल है, यानी ये सोने का कोलाइडी विलयन है, क्या है बच्चों, सोने का कोलाइडी विलयन। हाँ अब सुनिए, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें 1 ml 1 ml सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने जा रहे हैं, क्या मिलाने जा रहे हैं, 1 ml सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, तो आ जाओ देखो यहां पर समझने के लिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है बच्चों, 1 ml NaCl, यानी इसमें क्या मिलाया जा रहा है, तो 1 ml का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, ये है आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, हाँ लेकिन ये कितना है, ओनली 1 ml, कितना बच्चों, 1 ml, तो यहां मैं लिख देना चाहूंगा
कि ये क्या है, तो 1 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। और हाँ, ये जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ना, ये 10% का है। कहने का मतलब कि अगर ये जितना भी सोडियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है, उसमें से केवल 10 भाग, यानी टोटल भाग में से केवल 10 भाग सोडियम क्लोराइड है, बाकी 90 भाग जो है उसमें पानी होगा, जल होगा। यानी मतलब ऐसे समझ लो ना कि अगर 100 मिलीलीटर का ये सोडियम क्लोराइड का बिलियन रहेगा, तो उसमें से 90 मिलीलीटर जो है वो जल रहेगा, यानी पानी रहेगा, वाटर रहेगा, और केवल 10 मिलीलीटर आपका सोडियम क्लोराइड रहेगा, यानी नमक रहेगा। तो मतलब कि 10% बोल रहा है, इसका मतलब केवल 10th पार्ट होगा, 10वां भाग होगा, है ना। यानी जितना भी आपका सॉल्यूशन है उसमें से वो 10% रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम कितना ले रहे हैं, 1 मिलीलीटर, कितना ले रहे हैं 1 मिलीलीटर। तो उसमें से यानी उसमें नमक कितना होगा, 1 मिलीलीटर का 10% निकाल लो, जो आएगा बस उतना ही रहेगा, है ना। तो यानी कि 1 मिलीलीटर का हम यहां पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो मतलब यहां पर पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर लिया क्या जा रहा है, 1 मिलीलीटर का NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और अभी मैंने क्या बताया कि ये जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो परसेंटेज में कितना परसेंट है, 10% का। तो ये चीज भी आपको याद रखने होंगे। और इस बात को मैं यहां पे बता देना चाहूंगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ये कितने परसेंट का है, तो ये 10% का है। तो यहां मैं ब्रैकेट में कर देता हूं कितना, 10%, ठीक है। तो यानी ये 10% वाला सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और उसका वॉल्यूम यानी अमाउंट कितना लिया जा रहा है, 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड का बिलियन को इसमें मिलाया जा रहा है। और ध्यान रहे, उस बिलियन की खासियत ये है कि उस बिलियन में सोडियम क्लोराइड मात्र कितने हैं, 10% है। चलिए अब समझिए, यहां पर मैं आगे आपको क्या बताने जा रहा हूं। इसमें एक्चुअली ये पहले से कौन सा बिलियन था, तो ये था आपका गोल्ड सॉल्ट, यानी कि ये सोने का कोलाइडी बिलियन था, ठीक है ना। चलो देखो यहां पर इसमें ये क्या था आपका, ये था 10 मिलीलीटर का गोल्ड सॉल्ट, 10 मिलीलीटर का ये क्या था आपका, गोल्ड सॉल्ट था, ठीक है। तो ये सोने का कोलाइडी बिलियन लिया गया था, और ये कितना है आपका, 10 मिलीलीटर का। तो अब आप पहले ये सोच समझ कर बताओ कि अगर किसी कोलाइडी बिलियन में, किसी कोलाइडी बिलियन में अगर मैं यहां पे कोई वैद्युत अवघट मिला रहा हूं, देखना बच्चों NaCl मिला रहा हूं मैं, NaCl वैद्युत अवघट का एग्जांपल लास्ट क्लास में हो चुका है, इसलिए मैंने ये सब फिगर मिटाया भी नहीं है आपको रिमाइंड करवाने के लिए, आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवाने के लिए कि सच में ये सब तो आपने पहले भी पढ़ा था, है ना। कि कोई भी वैद्युत अवघट हो, अगर उस कोई भी उसमें कोलाइड, कोई भी किसी भी तरह का कोलाइड हो, अगर उसमें वैद्युत अवघट को मिलाया जाता है तो उस कोलाइडी बिलियन का स्कंदन होने लगता है। तो सेम चीज यहां पर समझो ना, ये गोल्ड सॉल क्या है, ये कोलाइडी बिलियन है। तो इस कोलाइडी बिलियन में NaCl को मिला रहे हैं, यानी वैद्युत अवघट को मिला रहे हैं, और वैद्युत अवघट को मिलाने पर जैसा आप जानते हैं कि इस कोलाइड का स्कंदन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम इस स्कंदन को रोकना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इस स्कंदन को रोकना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अब अगर इस स्कंदन को हम रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसमें द्रवरागी कोलाइड डालना पड़ेगा, और द्रवरागी कोलाइड जो डालेंगे उसी को रक्षी कोलाइड बोलेंगे, क्योंकि वही आके इसका रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा, तो इस नालायक से रक्षा करेगा। अरे नालायक मतलब ये NaCl नालायक क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये वैद्युत अवघट है जो आकर के इसका स्कंदन करवा देगा, अवक्षेपण करवा देगा, यानी इसके कोलाइडी कणों को एकत्रित करके जमा करके नीचे बैठा देगा, फिर ये कोलाइड नष्ट हो जाएगा। तो इस कोलाइड को नष्ट होने से बचाना है, इसको अवक्षेपित होने से बचाना है, इसको स्कंदित होने से बचाना है। तो अगर हम इसके स्कंदित, इसके इसे स्कंदित होने से बचाना चाहते हैं, इसके स्कंदन को रोकना चाहते हैं, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, रक्षी कोलाइड भी मिलाएंगे। क्योंकि अगर रक्षी कोलाइड नहीं मिलाएंगे तो ये नालायक जैसे इसमें आएगा, ये वैद्युत अवघट इसमें मिलाया जाएगा, तो इसका स्कंदन हो जाएगा। हम इसके स्कंदन को अगर रोकना चाहते हैं तो इस स्कंदन को रोकने के लिए इसमें द्रवरागी कोलाइड मिलाया जाएगा। और अब सुनो, वो जो द्रवरागी कोलाइड मिलाया जाएगा उसी को रक्षी कोलाइड कहते थे, और यही रक्षी कोलाइड जितना मिलीग्राम में मिलाया जाएगा, जितना मिलीग्राम में मिलाया जाएगा उसी को कहते हैं उसका गोल्ड नंबर। जी हाँ, ये मैंने आपको ग्राफ से, पिक्चर से मैंने समझाया आपको गोल्ड नंबर क्या होता है। तो अब डेफिनेशन सुनिएगा, डेफिनेशन सुनिए, 10 मिलीलीटर के गोल्ड सॉल में, 10 मिलीलीटर के गोल्ड सॉल में, 10 मिलीलीटर के गोल्ड सॉल में 1 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में 10% आपको लिख देना है, 1 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड के बिलियन को मिलाने पर होने वाले स्कंदन को, होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए जितने मिलीग्राम में कोई रक्षी कोलाइड मिलाए जाते हैं उसी मिलीग्राम की संख्या को उस कोलाइड का क्या कहते हैं, गोल्ड संख्या, यानी स्वर्ण संख्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। तो गोल्ड नंबर एक्चुअली क्या है, तो ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन में,
किस सिचुएशन में, कि जब हम गोल्ड सॉल्ट लिए हों 10 मिलीलीटर और उसमें मिलाने जा रहे हों सोडियम क्लोराइड कितना 1 मिलीलीटर, और ये सोडियम क्लोराइड का जो बिलियन है उसमें वो सोडियम क्लोराइड कितना रहता है 10%, यानी ये स्पेसिफिक है, ये सब चीज फिक्स है, ये याद रखना होगा आपको। अपने मन से आप आए बाएं टाई नहीं कर देना, कहने का मतलब अपने मन से कुछ अलग वैल्यू मत ले लेना। आपको ये सब फिक्स याद रखना होगा कि अगर 10 मिलीलीटर के गोल्ड सॉल्ट में 1 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो उस गोल्ड सॉल्ट के स्कंदन को रोकने के लिए, उस गोल्ड सॉल्ट के स्कंदन को रोकने के लिए उसमें जितनी मिलीग्राम रक्षी कोलाइड की आवश्यकता होती है, या यूं कह लो कि रक्षी कोलाइड का जितना मिलीग्राम उसमें मिलाना पड़ता है, किसने मिलाना पड़ता है रक्षी कोलाइड, किसलिए मिलाना पड़ता है रक्षी कोलाइड, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके स्कंदन को रोकने के लिए, तो इसके स्कंदन को रोकने के लिए हम रक्षी कोलाइड का जितना मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं उसी को उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। यानी गोल्ड नंबर क्या है, तो ये नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ एनी प्रोटेक्टिव कोलाइड विच आर एडेड टू प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट After adding 1 ml of NaCl solution 10% वाला, यानी कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अगर हम 10 ml का गोल्ड सॉल्ट में 1 मिलीलीटर का सोडियम क्लोराइड का विलयन अगर मिलाते हैं, यानी ये वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होने लगेगा स्कंदन, क्योंकि कोलाइड में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन होगा, और इस स्कंदन को रोकने के लिए हम रक्षी कोलाइड मिलाते हैं, और रक्षी कोलाइड का जितना मिलीग्राम मिलाते हैं, सिंपल समझो, जितना मिलीग्राम रक्षी कोलाइड का जरूरत पड़ेगा, यानी उस जो भी रक्षी कोलाइड मिलाया जाएगा, इसमें जो भी रक्षी कोलाइड मिलाएंगे, रक्षी कोलाइड कौन होगा, द्रव रागी कोलाइड, समझ रहे होंगे आप, है ना। अब इसमें स्टार्च मिला दो, जिलेटिन मिला दो, आप इसमें गोंद मिला दो, यानी जो भी आप द्रव रागी कोलाइड मिलाएंगे वो आकर के इसका रक्षा करेगा। लेकिन ध्यान रखें कि स्टार्च मिलाएंगे तो आपको शायद ज्यादा मिलाना पड़ेगा, और कितना मिलाना पड़ेगा, 25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा, है ना, कितना 25 मिलीग्राम, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जो भी रक्षी कोलाइड मिलाएंगे सबका अलग अलग मिलीग्राम लगेगा, किसी में ज्यादा मिलीग्राम डालना पड़ेगा, किसी में कम मिलीग्राम डालना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि स्टार्च में ज्यादा डालना पड़ेगा, स्टार्च में ज्यादा डालना पड़ेगा, उसका 25 मिलीग्राम डालना पड़ेगा, यानी स्टार्च का गोल्ड नंबर ज्यादा है, तो इससे पता चला कि उसका रक्षण क्षमता कम है, उसका प्रोटेक्टिव पावर कम है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा अमाउंट हमको मिलाना पड़ रहा है, तो ज्यादा मिलाना पड़ रहा है मतलब जरूर उसमें रक्षा करने की क्षमता कम है, तब ना ज्यादा मिलाना पड़ा। जैसे समझो, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसको मान लो कि वो परेशान हो गया, वो सबको मार पीट रहा है ना, अब अगर उसे रोकने के लिए हम किसी एक आदमी को भेजें, है ना, लेकिन वो अकेले उसे थम नहीं पा रहा है, इसके लिए उसको थमने के लिए 5 आदमी को लेके जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो 5 आदमी कमजोर थे, तब ना 5 का जरूरत पड़ा, अगर भयानक रहते तो वो अकेले जाके उसे पटक देते, उसे अकेले थम लेते, पकड़ लेते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर अधिक मात्रा में मिलीग्राम, ज्यादा मिलीग्राम मिलाना पड़ गया, यानी गोल्ड नंबर ज्यादा हो गया, अरे भाई जितना मिलीग्राम मिलाना पड़ा रक्षी कोलाइड, जितना मिलीग्राम में मिलाना पड़ा वही तो गोल्ड नंबर है ना, और अगर गोल्ड नंबर ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा मिलीग्राम मिलाना पड़ा, है ना, और ज्यादा एमजी मिला रहे हैं, ज्यादा मिलीग्राम मिला रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में रक्षी कोलाइड डाल रहे हैं, इसका मतलब उसका प्रोटेक्टिव पावर कम है, उसकी रक्षण क्षमता कम है, तब ना ज्यादा मिलाना पड़ रहा है। अगर रक्षण क्षमता ज्यादा रहता तब तो थोड़ा सा ही मिलाते तो वो उसकी रक्षा कर लेता, जैसे जिलेटिन 0.0 होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है वो काफी कम है, इसी से साबित होता है कि वो बहुत कम मिलीग्राम भी मिलाते हैं तो भी वो आसानी से कोलाइड का रक्षण कर लेता है, यानी कि उसका गोल्ड नंबर तो कम है क्योंकि कम मिलाना पड़ा, कम मिलीग्राम मिलाए हैं, यानी उसका गोल्ड नंबर कम है, लेकिन कम मिलाने पे भी वो रक्षा कर लिया, इसका मतलब उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या है, ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, ये बातें अब आपको समझ आ गई होगी। लास्टली एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, उसके बाद मैं कमेंट में पूछूंगा कि कितने बच्चे समझे हैं गोल्ड नंबर को, गोल्ड नंबर क्या है बाबू, तो ध्यान से सुनो, 10 ml का गोल्ड सॉल्ट में 1 ml का NaCl को मिलाने पर, 10 ml का गोल्ड सॉल्ट में 1 ml NaCl को मिलाने पर होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए रक्षी कोलाइड की जितनी मिलीग्राम मिलाने की आवश्यकता होती है, या जितनी मिलीग्राम रक्षी कोलाइड को मिलाने की आवश्यकता होती है, उसे ही उस रक्षी कोलाइड का क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं, और इसी से तो उसका प्रोटेक्टिव पावर पता चलेगा, रक्षण क्षमता पता चलेगा, क्योंकि अगर कम मिलीग्राम मिलाना पड़ा तो समझो कि कम में ही वो इफिशियंट है, जैसे एक ही आदमी आकर के उसको थम लिया, पकड़ लिया, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पावर ज्यादा है, है ना। अब जैसे मान लो एक बोरिया रखा हुआ है 50 kg का, है ना, उसे किसी व्यक्ति ने अकेले जाकर उठा दिया, मतलब वो क्या है, शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसी 50 kg वाले बोरिए को, है ना, अगर उठाने के लिए उस 50 kg वाले बोरी को उठाने के लिए अगर 5 आदमी जाना पड़ा, 10 आदमी मिलना पड़ा, मतलब 10 का 10 क्या है,
समझ ही गए होंगे है ना, सभी के सभी कमजोर हैं, तभी तो 10 लोग मिलकर के गए हैं उस 50 केजी के बोरी को उठाने के लिए है ना। और अगर अकेले उठा लिए इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत एफिशिएंट है यानी उसकी क्षमता अधिक है ना। तो ऐसे ही समझो ना कि जब ज्यादा लोग मिलकर गए मतलब कि उसका क्षमता कम है, और कम लोग मिलके गए एक ही दो मिलकर उठा लिए इसका मतलब क्षमता ज्यादा है। तो सेम बात यहां समझो, अगर हमें कम मिलीग्राम मिलाना पड़ा है ना, जैसे कि मैं यहां पर आपको अब समझा ही देता हूं, जैसे स्टार्च अगर मिलाते हैं है ना, अगर हम इसमें क्या मिलाते हैं बाबू, स्टार्च, स्टार्च मिलाएंगे तो स्टार्च एक तरह से क्या है, तो ये है एक तरह से रक्षित कॉल आने लग गया था, रुक जाइए जी। बिल्कुल सिर्फ गोल्ड सॉल ही ले सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, बाकी वैसे तो किसी के लिए भी आप एग्जांपल ले सकते थे, लेकिन डेफिनेशन बनाने के लिए एक रेफरेंस लेवल लिया जाता है, एक खास एग्जांपल लिया गया है, और यही आपको याद रखना है गोल्ड सॉल ही। और उसमें वैद्युत अपघट के रूप में भी बहुत सारा वैद्युत अपघट हो सकता था, लेकिन यहां पर गोल्ड नंबर को परिभाषित करने के लिए खासकर केवल NaCl ही लिया जाएगा, ये दो चीजें को ध्यान रखेंगे। वैसे तो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोलाइड कुछ भी हो सकता है ना, सिल्वर सॉल भी हो सकता था, सल्फर सॉल भी हो सकता था, आर्सेनियम सल्फाइड सॉल भी हो सकता था, लेकिन यहां पर जब गोल्ड नंबर को परिभाषित करना है बालक, याद रखना जब गोल्ड सॉल को परिभाषित करना रहेगा तो उसमें गोल्ड नंबर को जब परिभाषित करना रहता है तो उसमें कोलाइड ग्रुप में स्पेसिफिक रूप से केवल एग्जांपल लिया जाता कौन, गोल्ड सॉल। और भाई थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ ना, कौन पूछ रहे थे, शैलेश कुमार पूछे थे ना, अब थोड़ा सा अब ये भी तो थोड़ा सा सोच सकते थे ना कि जब गोल्ड नंबर है, नाम ही है इसका गोल्ड नंबर, तो कॉमन सी बातें हैं कि जब नाम ही गोल्ड नंबर है तो इसमें सॉल भी कौन सा होगा, गोल्ड सॉल होगा, सिल्वर सॉल नहीं होगा, सल्फर सॉल नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, जब भी होगा तो गोल्ड सॉल ही होगा। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा शैलेश कुमार। कितनी मात्रा में गोल्ड सॉल लेंगे, अरे गजब बेवकूफ वाला सवाल कर रहे हो, देख नहीं रहे हो वहां लिखा हुआ तो है 10 ml गोल्ड सॉल लेना रहता है, 10 ml गोल्ड सॉल लेंगे और उसमें सोडियम क्लोराइड 1 ml मिलाएंगे। बिल्कुल गोल्ड नंबर के लिए गोल्ड सॉल, हाँ यानी नाम ही है गोल्ड नंबर इसलिए गोल्ड सॉल। अरे भाई मतलब सीधा समझो कि परिभाषा देने के लिए खास तौर पर एक फिक्स एग्जांपल लिया गया है गोल्ड सॉल का, और इसमें वैद्युत अपघट के रूप में भी फिक्स एग्जांपल लिया जाता है NaCl का। आप बदल दोगे तो बदल जाएगा ना, फिर ऐसे में वो परिभाषा सही नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि परिभाषित करने के लिए यही दो एग्जांपल लिए गए थे और इसी खास मात्रा में लिए गए थे। कोई उम्मीद नहीं है ऑफलाइन क्लास खोलने का, देखिए अब ऑफलाइन क्लास की उम्मीद हम क्यों करें, जिसका उम्मीद है वो तो कर रहे हैं, ऑनलाइन का उम्मीद आप हमसे कर सकते हैं, वो तो हम क्लास कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखिए बाबू जिन जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है वो दो काम करें, पहला काम तो ये करें, चेक करना है आपको कि आपने क्या चैनल को सब्सक्राइब किया था या नहीं किया था, अगर आपने सब्सक्राइब किया था तो आपने बेल आइकन यानी जो घंटी वाला साइन होता है वो आपने प्रेस किया था कि नहीं किया था, और अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस किया था तो आप ये चेक करना कि क्या आपको वहां पर तीन ऑप्शन आने पर पहला ऑप्शन आपने टच किया या नहीं टच किया, पहला ऑप्शन जिसमें ऑल होता है सब्सक्राइब देन बेल आइकन एंड देन ऑल, यानी आपको तीन काम करने होते हैं, पहले सब्सक्राइब करना होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, मैं समझा देता हूं। उपेंद्र कुमार आप मुझे सजेस्ट मत करें, आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं, मुझे भी पता है कि कहां कहां क्या क्लास खुल रहा है, मुझे मत बताओ कि क्या खुल रहा है नहीं खुल रहा है, ये सब बताकर आप क्या चाहते हो, मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हो कि आप ही क्लास खोलिए, नहीं होगा, सोचते मत रहना और सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। उपेंद्र कुमार चले देखिए, तो मैंने क्या बताया कि ये जो स्टार्च मिला रहे हैं ये एक तरह से क्या है, तो ये है आपका रक्षी कोलाइड, ठीक है ना, ये एक तरह से आपका क्या है, रक्षी कोलाइड है, रक्षी कोलाइड के रूप में आपने इसमें क्या किया, स्टार्च मिलाया, तो
याद रखिएगा स्टार्च को आपको कितना मिलाना पड़ेगा, तो स्टार्च जो रक्षी कोलाइड है, रक्षी को स्टार्च को रक्षी कोलाइड के रूप में मिला रहे हैं, और ये कितना मिलाना हमें पड़ेगा, तो याद रखना बच्चों ये आपको 25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली चेक कर लिया गया है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये आप प्रैक्टिकली भी अगर चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, बट आपको गोल्ड सॉल्ट मिले तब तो ये तो मिल जाएगा आराम से 10 ml का 1 ml का बना लेंगे 10% करते हुए, है ना। लेकिन मेन चीज तो गोल्ड सॉल्ट है, वो आपको मिलेगा तब ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब प्रैक्टिकली देखा जा चुका है, एक्सपेरिमेंटली ये सब प्रूव्ड बातें हैं कि 10 मिलीलीटर का गोल्ड सॉल्ट लिया गया था और उसमें 1 मिलीलीटर का सोडियम क्लोराइड का विलयन जब मिला रहे थे जो कि 10% का था, तो उसको मिलाने पर जब स्कंदन होने लगता है तो उस स्कंदन को रोकने के लिए हम उसमें 25 मिलीग्राम स्टार्च को मिलाते हैं, तब जाके इसका स्कंदन रुक जाता है, है ना। और उससे कम मिलाओगे तो रुकने वाला नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि जितना मिलीग्राम मिलाना पड़ा दैट इज गोल्ड नंबर, यानी समझो बच्चों कि 10 ml का गोल्ड सॉल्ट को, है ना, गोल्ड सॉल्ट में 1 ml का NaCl विलयन को मिलाने पर, है ना, यानी इस वैद्युत घट को मिलाने पर, 1 ml का NaCl को मिलाने पर होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए रक्षी कोलाइड का जितनी मिलीग्राम को मिलाना पड़ता है, रक्षी कोलाइड का जितना मिलीग्राम मिलाना पड़ता है, या यूं कहें जितना मिलीग्राम रक्षी कोलाइड इसमें मिलाना पड़ता है, किस लिए, उसकी रक्षा के लिए, मैंने उसके स्कंदन को रोकने के लिए। स्कंदन होगा कब, जब ये NaCl मिलाएंगे तब, है ना। तो 10 ml का गोल्ड सॉल्ट में 1 ml NaCl को मिलाने पर होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए जितना मिलीग्राम रक्षी कोलाइड मिलाना पड़ता है उसे ही उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। यानी स्टार्च का आपसे पूछा जाए कि स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना होता है, क्या बताओगे, 25, यानी 25 mg, है ना, यानी इसका 25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा। तो स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना बाबू, 25 है, 25 mg नहीं बोलोगे, 25 बोलोगे, है ना, क्योंकि मैंने बोला कि जितना संख्या में मिलीग्राम मिलाना पड़ा वही उसका क्या है, गोल्ड संख्या है, गोल्ड नंबर है, है ना। तो आप क्या समझे कि ये 25 क्या है, दिस इज द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च, गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च, यानी ये स्टार्च का गोल्ड नंबर हुआ, समझ रहे हैं ना। तो आप ये फिगर देख करके बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, अच्छा से जरूर आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये गोल्ड नंबर क्या होता है। तो क्या होता है, अब तो देख के समझ आ ही गया होगा ना कि क्या होता है जी, यानी अगर किसी भी 10 ml का गोल्ड सॉल्ट में 1 ml का NaCl को मिलाने पर, है ना, उसके स्कंदन को रोकने के लिए, स्कंदन को रोकने के लिए कोई भी रक्षी कोलाइड का, कोई भी रक्षी कोलाइड का जितना mg मिलाना पड़ता है, यानी जितनी मिलीग्राम संख्या मिलाना पड़ता है, जितनी संख्या मिलीग्राम मिलाना पड़ता है उसे ही उस कोलाइड का क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर स्टार्च लेते हैं, स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना होता है, 25 mg, समझ रहे हैं ना, mg मतलब गोल्ड नंबर नहीं, गोल्ड नंबर अगर बोलेंगे तो केवल 25 बोलेंगे, और 25 mg कह रहे हैं तो मतलब आप ये गोल्ड नंबर नहीं कह रहे हैं, है ना, क्योंकि नंबर केवल बताना रहा था ना, गोल्ड नंबर बोल रहे हैं तो केवल नंबर बोलना है, यानी 25 बोलना है। तो स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना होता है भाई, तो 25 ये है इसका क्या, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर असल में क्या है, तो रक्षी कोलाइड का जितना mg मिलाना पड़ा, रक्षी कोलाइड का जितना mg मिलाना पड़ा, कब मिलाना पड़ा, तो 10 ml का गोल्ड सॉल्ट में 1 ml NaCl को डालने पर उसका जो स्कंदन होने वाला था उस स्कंदन को रोकने के लिए हमको जितना mg, जितना मिलीग्राम रक्षी कोलाइड को मिलाना पड़ता है वही उसका गोल्ड नंबर होता है। जैसे एग्जांपल आप वो स्टार्च का हम लिए हैं, तो स्टार्च का इसका गोल्ड नंबर कितना होता है, 25, यानी इसका 25 mg मिलाना पड़ रहा है। ये बात क्लियर हो गया है शायद, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो जो बच्चे समझ गए हैं वो कमेंट में मुझे यस जवाब दीजिए, गोल्ड नंबर जो बच्चे समझ गए हैं वो यस लिखिए, और जो नहीं समझे वो नो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो बाद में वीडियो दोबारा देख सकते हैं, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए जरा मुझे बता दीजिएगा कमेंट में जो बच्चे समझ गए हैं, है ना, यानी गोल्ड नंबर कितने बच्चों का क्लियर हो गया वो लोग मुझे कमेंट में जवाब दे दो। और हां एक चीज और भी, आप अच्छी तरीके से, मैं तो यही कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तो आपको फिगर देख करके ज्यादा अच्छे से ध्यान आएगा, समझ आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही लीजिए, ठीक है। मैंने इधर से कॉलम बना दिया है, बांट दिया है, यानी आपको स्क्रीनशॉट इधर वाले लेने हैं, इधर वाले नहीं लेने हैं, ये तो आप पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, है ना, ये सब तो पहले का पढ़ा हुआ है ना आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जो जो बच्चे समझ गए हो, और कमेंट में जवाब भी दे दो, जितने बच्चे को समझ आ गया है वो यस जवाब दे दो, जो नहीं समझे वो नो लिख देना। स्क्रीनशॉट दीजिए आप लोग तेजी में, ये 10 ml का गोल्ड सॉल्ट था, 1 ml का मिला रहे हैं, और मिलाने पर क्या होगा, स्कंदन होगा, बट स्कंदन को क्या करना है, रोकना है, है ना। तो आप समझ गए होंगे रोकने के लिए स्टार्च मिला रहे हैं जो कि एक तरह का क्या है, रक्षी कोलाइड है, और इसका जितना mg लेना पड़ेगा वही होता है क्या, गोल्ड नंबर। जल्दी कीजिए,
और अगर इसी की जगह पर हम जिलेटिन ले लेंगे तो फिर ये वैल्यू चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा 0.001। जल्दी करिए, फिर मैं आपको चेंज करके भी एग्जांपल दूंगा और आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में क्रॉप भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी सोच है, ठीक सोचे ये बात भी आप। जल्दी करिए स्क्रीनशॉट तेजी में लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, और जो लोग समझ गए हैं वो लोग यस सर भी लिख दीजिए। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें चिंता नहीं करना है, वो वीडियो को दोबारा प्लेबैक कर लेना। रवि कुमार नो लिखे हैं, आप तो वैसे भी मुझे नए नवेली दिख रहे हैं, मतलब कि अभी जस्ट आए हैं लगता है, तब से आप तो लगता है लाइव थे नहीं, तो आप अचानक से पहुंच जाओगे, अचानक से प्रकट हो जाओगे तो थोड़ी ना आपको सारा फल मिल जाएगा। हो गया, चलिए लगभग सभी लोग तो समझ गए हैं लगता है। अब मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं और तुरंत इसी में स्क्रीनशॉट आप चाहोगे तो ले लोगे। देखिए अगर मैं यहां पे स्टार्च के जगह पे जिलेटिन एग्जांपल लेता हूं, क्या मैं एग्जांपल इस बार ले रहा हूं जिलेटिन, ठीक है ना। देखिए यहां पे एग्जांपल इस बार क्या आ गया आपका, जिलेटिन आ गया। तो याद रखिएगा जिलेटिन भी एक तरह का क्या है, द्रव रागी कोलाइड है ना, यानी ये भी आपका द्रव रागी कोलाइड है, और द्रव रागी कोलाइड है तो ये भी रक्षा करेगा, और रक्षा करेगा तो मतलब रक्षी कोलाइड कहलाएगा। अरे भाई किसी भी कोलाइड में अगर हम वैद्युत अपघट को मिलाते तो उसका स्कंदन होने लगता है ना, और अगर उसका स्कंदन को बचाना चाहते हैं मतलब रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव रागी कोलाइड मिलाते हैं। और यहां पर द्रव रागी कोलाइड के रूप में मैंने एग्जांपल क्या लिया है, जिलेटिन का, है ना। और जिलेटिन एक तरह का क्या हो गया, रक्षी कोलाइड, क्योंकि इसने इसका रक्षा किया। हाँ अब मैंने क्या भी बताया था, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है, तो ये रक्षी कोलाइड का जितना मिलीग्राम लेना पड़ता है, जितनी संख्या में मिलीग्राम लेना पड़ेगा वही होगा उसका क्या, गोल्ड नंबर, है ना। तो यानी अब मैं आपको गोल्ड नंबर बता रहा हूं किसका, जिलेटिन का। सबको समझ में आ रहा है ना बात, यानी केवल एग्जांपल बाबू चेंज कर रहे हैं हम, क्या स्टार्च के जगह पे ले रहे हैं, स्टार्च के जगह पे एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, जिलेटिन का, ठीक है। तो आइए जिलेटिन का देखिए, जिलेटिन भी एक तरह का रक्षी कोलाइड हो गया। अब इसका मैं आपको बता देता हूं क्या, इसका गोल्ड नंबर, ठीक है। जितना एमजी लेना पड़ेगा वही होगा इसका क्या, गोल्ड नंबर, ठीक है। तो आइए देखिए यहां पर मैं इसका गोल्ड नंबर बता देता हूं, 0.01 एमजी, है ना, यानी 0.01 एमजी। और किसी किसी सिचुएशन में ये वैरी करते हैं जो 0.005 चले जाते हैं, मतलब कि एक्चुअली अगर प्रॉपर वे में देखा जाए ना तो होता है 0.005 से लेकर 0.01 एमजी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी 0.01 एमजी लेना पड़ता है तो कभी 0.005 एमजी, है ना। तो ये वेरिएबल है यहां से लेकर यहां तक में, ठीक है, इतने तक में ये आराम से रक्षा कर लेते हैं, है ना, लेकिन इससे भी कम मिलाओगे तो रक्षा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 0.01 एमजी ये जिलेटिन का हो गया क्या, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। तो आप कह सकते हैं कि अगर सॉरी स्टार्च नहीं, ये स्टार्च भी चेंज होकर के आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर ऑफ क्या, जिलेटिन। तो यानी मैंने आपको जिलेटिन का बता दिया गोल्ड नंबर, ठीक है ना। तो फटाक से आप लोग फिर से क्या करोगे, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये आपका यहां पर जो वैल्यू है ना ये हो गया क्या, गोल्ड नंबर, ठीक है ना। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर मैंने रक्षी कोलाइड ग्रुप में एग्जांपल लिया है स्टार्च के बजाय किसका, जिलेटिन का। तो स्पष्ट है कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर भाई क्या है, गोल्ड नंबर इसका भाई बहुत कम है ना, 0.0 में चला गया ना, और स्टार्च का तो 25 था, तो यानी स्टार्च का गोल्ड नंबर ज्यादा था लेकिन उसका प्रोटेक्टिव पावर कम था, रक्षण क्षमता कम थी, लेकिन इसकी रक्षण क्षमता अधिक होगी, क्यों, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर क्या है, कम है, है ना। तो इस बात को भी अब आप समझे होंगे, तो ये बात भी आप लोग लिख लेना नोट में कि जिस रक्षी कोलाइड का स्वर्ण संख्या अधिक होता है उसकी रक्षण क्षमता कम होती है, और जिस रक्षी कोलाइड का स्वर्ण संख्या कम होता है उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है, मतलब स्वर्ण संख्या कम रक्षण क्षमता अधिक, स्वर्ण संख्या अधिक रक्षण क्षमता कम, ठीक है ना। तो ये बातें आप नोट में लिख सकते हैं, अभी तो मैंने बोल ही दिया है ना, अब आप चाहोगे तो खुद से लिख सकते हो या फिर आप वीडियो को फिर से दोबारा प्लेबैक करना और यहां पे पॉज करके रोक करके लिख लेना। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं नोट में क्या लिखना है, जिस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, मैं बोल रहा हूं अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो दोबारा से घुमा के लिख लेना, यहां पे रोक रोक करके पॉज करके धीरे धीरे आराम से, अभी आप लिख नहीं पाओगे, मैं फास्ट बोल रहा हूं। नोट में लिखना है जिस रक्षी कोलाइड की
स्वर्ण संख्या कम होती है उसी की रक्षण क्षमता अधिक होती है, उसी की रक्षण क्षमता अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, और जिस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या अधिक होती है, जिस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या अधिक होती है उसकी रक्षण क्षमता कम होती है, उसकी रक्षण क्षमता कम होती है। हो गया ना बात कंप्लीट, ये चीज अब आप लिख लेना। और इसको मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया था ना अभी, कि अगर मान लो कि एक बोरी को 50 किलोग्राम का एक बोरी है रखा हुआ, अब उसे उठाने के लिए, उस बोरी को उठाने के लिए मान लो कि एक दो ही आदमी मिलकर उठा लेते हैं, मतलब दोनों क्या है, शक्तिशाली है, पहलवान है, ताकतवर है ना, पावरफुल है। लेकिन अगर उसे उठाने के लिए 5 लोग जाने पड़ते हैं, 10 लोग जाने पड़ते हैं, मतलब कि वो पावरफुल उतने नहीं है, कम पावरफुल है। तो ज्यादा लग गया, ज्यादा अमाउंट देना पड़ा, इसका मतलब वो कम पावरफुल है ना। और कम ही अमाउंट में एक ही दो लोग मिलकर वो काम कर दिया, मतलब वो सब ज्यादा पावरफुल है। जैसे आते हैं कि बहुत कम में ही ये रक्षा कर लिया, बहुत कम अमाउंट, इतना ही 0.01 मिलीग्राम में ये काम कर देता है ना, मतलब ये पावरफुल है ना। यानी इसकी जो स्वर्ण संख्या वो कम है, इसका मतलब इसका रक्षण क्षमता क्या है, काफी ज्यादा है। समझ गए होंगे। लेकिन स्टार्च का बहुत ज्यादा था, गोल्ड नंबर ही काफी ज्यादा था, 25 चला गया था है ना, तो इसका मतलब उसका रक्षण क्षमता क्या हो गया, कम हो गया। समझ गया ना। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो 0.03 हो जाता है, तो 0.03 है, इसका मतलब इससे तो जरूर वो ज्यादा है ना, इससे तो उसका वैल्यू ज्यादा है ना, गोल्ड नंबर ज्यादा है, इसका गोल्ड नंबर है 0.01 और उसका 0.03, तो इसका मतलब उसका गोल्ड नंबर ज्यादा हो गया, तो मतलब उसका रक्षण क्षमता कम हो गया हीमोग्लोबिन का। समझ गए होंगे बात। चलिए तो ये चीजें अब आप नोट में लिख लेना। एक और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये जिलेटिन वाला, ठीक है। जिलेटिन वाला भी, ये भी एग्जांपल को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट में कैप्चर करिए। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वही सोचकर तो मैंने आज क्लास भी स्टार्ट किया, कि कम बच्चे को देखकर मैं गुस्से में क्लास तो ऑफ कर देता हूं, बट इसके कारण उन लोगों का लॉस हो जा रहा था जो पढ़ रहे थे, तो मैंने इसलिए तो आज से क्लास स्टार्ट कर भी दिया। बट क्या कहूँ, फिर भी थोड़ा तो बुरा लगता है। आप भी कोई काम करो और उस पर अगर कोई ध्यान ना दे तो फिर क्या लगेगा। हो गया सभी का स्क्रीनशॉट। ये क्या बोल रहे हैं, मेन गाइड पेपर बिट होगा, मतलब नहीं समझ आया आपका। कोचिंग खोलने में जैसा आपको ठीक लगे, देखो जैसा क्या ठीक लगेगा जी, ठीक तो कुछ नहीं लगता है, बट मजबूरी है। ओके ठीक है बाबू, इतनी गुजारिश की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे भी अब मैं क्लास बंद नहीं करूंगा। कभी कभी अपलोडेड वीडियो देखते हैं तो थोड़ा आदत सुधारिए, कि अब ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि यहीं लाइव में ही पढ़ लेने का, और क्या ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। न्यू चैप्टर आपका मान के चलिए कल तक में शायद स्टार्ट हो ही जाएंगे, लगभग ये खत्म हो गया, बस मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो लगभग ये चैप्टर फिनिश होने पर है। जैसे आकाश नीला है ना, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, बादल से बारिश जो होती है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली लाइफ से, मतलब जो आपके हर रोज की जिंदगी से जुड़े हों, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए एक क्लास में और ले ही लूंगा, फिर मैं पक्का समाप्त कर दूंगा चैप्टर को। मानो तो खत्म हो ही गया, इंपॉर्टेंट चीजें जो थे वो सब समाप्त हो गया, ये सब गोल्ड नंबर वगैरह जो देख रहे हो ये सब था भी नहीं। हाँ एक और टॉपिक है, हार्डी सोल्जर रूल है ना, तो वो मैं बता दूंगा आपको, हार्डी सोल्जर रूल, वो आपको बताने के बाद मैं चैप्टर को फिनिश कर लूंगा। मतलब मान के चलो कि अगर कल मैं क्लास लूंगा तो मैं कल दो क्लास ले लूंगा, मतलब एक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन कल भर में मैं फिनिश ही करके रहूंगा, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, गोल्ड नंबर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अब ऐसा कोई आपका कंफ्यूजन ना बचा होगा, मुझे लगता है कंप्लीट हो गया होगा। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन के बारे में, देखो दो चीज पे ध्यान देना, पहला चैनल को लेकर कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है ना। अगर आपने सब्सक्राइब किया बाबू तो उसके बाद आपको बेल आइकन जो घंटी वाला साइन होता है वो प्रेस करना था है ना, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना, और अगर आपने किया था तो भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया था,
यानी समझो आपको पहले सब्सक्राइब पे टच करना था, उसके बाद बेल आइकन पे टच करना था, और बेल आइकन पे टच करने के बाद तीन ऑप्शन आते हैं जिसमें से पहला ऑप्शन जो सबसे ऊपर में रहता है ऑल, ALL ऑल, समझते होंगे ना, तो उसी पे टच करना था। अगर आपने नहीं किया था तो अब जाके आप कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा आएंगे। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे सर मैंने ये तीनों काम किया था, यानी सब्सक्राइब पे भी टच किया था मैंने और बेल आइकन पे भी मैंने टच किया था, फिर तीन ऑप्शन आया था जिसमें से मैंने ऑल पे भी टच किया था, मतलब कि मैंने ये तीनों प्रोसेस कर दिया था, तीनों काम मैंने कर दिया था, फिर भी मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा अपना इनबॉक्स वगैरह को खाली करो, यानी आपका नोटिफिकेशन वाला जो बॉक्स मतलब जो होता है वो पूरा शायद फुल हो गया होगा, मे बी इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, तो आप जाकर थोड़ा मेमोरी को खाली कर ले, शायद उस कारण से भी आपका ना आ रहा हो, तो आप एक बार वो भी चेक करके देख लेना, क्योंकि शायद कुछ बच्चे ही कॉमेंट में बताए थे कि जी सर मेरा भी नहीं आता था, मैंने पूरा इनबॉक्स वगैरह को खाली वाली कर लिया तब जाकर मेरा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, तो आप करके एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ चलो, वैसे एक चीज और, हम कोशिश करेंगे ज्यादातर आपका टाइम अब चेंज ना ही करें, क्योंकि कुछ क्या बोले दुष्ट लोग हैं, पहले तो बोल देते हैं हाँ सर ठीक है पढ़ लेंगे बट देखते हैं बाद में आते नहीं है, है ना, यानी 7 बजे ही पढ़ाते हैं तो कुछ ज्यादा बच्चे दिखते हैं, फिर अगर मैं शाम में पढ़ाता हूँ रात में पढ़ाता हूँ तो बड़े कम कम लोग दिखते हैं, फिर ऐसे में उसी में फिर हमको आगे दोबारा क्लास अगले सुबह लेने का मन नहीं करता, क्यों, क्योंकि देखते हैं कि रात में पढ़ाएं अभी तो कोई पढ़ा नहीं, अब सुबह क्या पढ़ाएं, है ना, तो इसी वजह से आप लोग का फिर क्लास खराब होने लगता है। हम प्रयास कर लेंगे 7 बजे ही सुबह में ही क्लास लेने का, आप लोग भी कम से कम रेगुलरिटी बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ ही गया होगा, अब मुझे नहीं लगता किन्हीं को कोई दिक्कत है, एक दो टॉपिक जो बचा है बाबू वो अगले क्लास में फिनिश हम कर लेंगे, यानी हार्डी सोल्जर रूल वो एक खत्म कर लेंगे हम, उसके बाद आपका और कुछ बचा नहीं है, फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे रोज के लाइफ में हमारे डेली लाइफ में जो नजर आते हैं वो सब जो कोलाइट से रिलेटेड है डेली लाइफ के एग्जांपल्स वो सब मैं आपको बताऊंगा, फिर आपका ये समाप्त हो जाएगा। कौन सा गैस पेपर ठीक रहेगा ये मैं बताऊं, ये मैं क्या बताऊं बाबू, आप लोग अपने मन से देख लो, आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ये सब मैं नहीं कुछ सजेस्ट करता हूं, आप लोग खुद से देखो। बाकी जो थोड़ा एरर की बात करें तो एरर सभी में होते हैं, चाहे कोई भी गैस पेपर आप लोगे थोड़ा बहुत आप में मिलेगा। अच्छा हाँ, वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आशा कुमारी आपने भी सही चीज पे ध्यान दिया, ठीक है बाबू, तो एक दो दिन मैं अभी वीडियो अपलोड करता हूँ, वो तो मैंने ऐसे ही बताया ना कि मैं अभी वार्निंग दे दूंगा एक दो दिन, उसके बाद भी अगर लोग नहीं ध्यान दिए तो मैं क्या करूंगा कि डेफिनेशन भी यही लाइव में ही लिखवा दूंगा, तब तो सही रहेगा ना, लाइव में ही अगर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा तब तो कोई मौका नहीं रहेगा उनके पास आप लोगों को कुछ भी बोलने का, डेफिनेशन मैं लिखवा के रखूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा वीडियो प्लेबैक करने का, फिर मैं वीडियो को आराम से अपलोड नहीं भी करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं है। चलिए सारी बातें क्लियर हो गई है, नहीं नहीं क्लियर डाटा नहीं करेंगे पागल हो, वैसा नहीं करना है, अरे उसका मैं जुगाड़ कर लूंगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, उतना दिमाग मैं लगा देता हूं। जब भी पढ़ा सकते हैं आप तैयार रहते हैं ना, लेकिन सारे लोग तो तैयार रहते नहीं है ना, दिक्कत तो ये है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और मे बी बीच में कोई एक वीडियो भी आपको आज नहीं तो कल शायद अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे दो बार क्लास लेना होगा, बट मैं चाह रहा हूं कि कल भर में ये क्लास आपका फिनिश ही हो जाए, क्योंकि कल सैटरडे है, सॉरी आज सैटरडे और कल संडे है, तो मैं चाह रहा हूं कि कल संडे तक में एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर चैप्टर फिनिश ही हो जाए, और मंडे को मैं न्यू चैप्टर को स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं हो सके तो कल दो बार क्लास ले लूंगा, या फिर आज भी शाम जब मैं मुझे फुर्सत मिले मैं एक क्लास का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और एक तो कल आपका फिक्स रहेगा ही 7 बजे सुबह वाला। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तब तक अपना जो भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया था वो आप लोग अपना प्रिंट कर लेना, कॉपी पे भी उसे अच्छे से उतार लेना, अगले क्लास में, थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे।